शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा मदरसों में आतंकी पैदा किए जाने वाले बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहीं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के चांसलर और पीएम मोदी के करीबी जफर सरेशवाला ने उनके बयान की कड़ी निंदा की है। जफर सरेशवाला ने कहा है कि पहले तो बयान देने वाले को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि ये वसीम है, कौन इसको जानता है, कौन है ये, अपने घोटालों को छुपाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए चापलूसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मदरसा एक शिक्षा ग्रहण करने की संस्था है जहां छात्रों को तालीम दी जाती है। बता दें कि हाल ही में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने पीएम मोदी को खत लिखकर मदरसों को बंद करने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज।